स्वागत है फ्रेंड आपका एक नए ब्लॉग वीडियो में। फ्रेंड आज का ये ब्लॉग वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। आज दोस्तों इस समय है हम जूनागढ़ में और दोस्तों यहाँ पे गिरनार मंदिर है जो कि अम्बे माता का मंदिर है। वहाँ पे दोस्तों मैं आपको पूरा लोकेशन दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे अप्रोक्स दोस्तों 10,000 के आसपास सीढ़ियाँ हैं। जैसे दोस्तों ये पीछे का जो आप देख रहे हैं हम यहीं पर रुके हुए हैं, आश्रम है। 24 घंटे की प्राइस की बात करें तो 800 रुपीज़ हमसे लिया गया है। और फिर अगल बगल का लोकेशन आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का लोकेशन देखने को मिलेगा। यही फ्रेंड जस्ट हमको यहाँ से बाहर निकलना है इस वाले गेट से, ये देख सकते हैं यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे गिरनार पे, वहाँ पे चढ़ाई करेंगे, उसके बाद अम्बे जी की हम दर्शन करेंगे। ब्लॉग वीडियो में दोस्तों आपको हम पूरा दिखाएंगे और आपको दोस्तों काफ़ी मतलब मज़ा आने वाला है आज की इस ब्लॉग वीडियो में। सो फाइनली फ्रेंड हम लोग निकल चुके हैं। पीछे आप देख सकते हैं आपको भारतीय आश्रम देखने को मिल रहा होगा और यहाँ से फिर हम लोग इस लोकेशन पे जाने वाले हैं पीछे, और यहीं से फिर हम टर्न लेने वाले हैं और यहीं से जाने वाले हैं। देख रहे एक तालाब टाइप का, इसमें काफी मछलियां हैं और लोग एक दो का सिक्का भी डाल रहे हैं। देख सकते हैं पीछे कुछ इस तरह लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। अब फ्रेंड हम चलते हैं यहाँ से मंदिर पर चढ़ाई करते हैं, अम्बे जी का मंदिर जो कि काफी ऊंची है, लोग बोलते हैं 10,000 सीढ़ी है। देखते हैं एक्चुअली में चढ़ते हैं यहाँ से, आज जाने का रास्ता है। अब यहाँ से हम ऐसे सीधा ही चलेंगे, उसके बाद ब्लॉग वीडियो पे आप बने रहो, काफी आपको मजा आने वाला है। ध्यान जी बस। इस तरह का रास्ता है, काफ़ी थकान आ गया, अभी हम लोग ज़्यादा चढ़े भी नहीं है। सीढ़ी ऐसे ही देख सकते पीछे, और पीछे आपको काफ़ी बंदर भी देखने को मिलेंगे, ये देख सकते हैं। इन लोग ऐसे जगह जगह रास्ते पे बैठे रहेंगे, ये देख लीजिए, और पीछे बहुत से लोग आ भी रहे हैं, देख सकते हैं। फिर रोपवे की बात की, रोपवे का एक आदमी का 700 रुपये अप डाउन दोनों है, बट सीढ़ी से चढ़ने से थकान तो होता है लेकिन मज़ा आता। फिर आपको पीछे दुकान भी देखने को मिल जाएंगे, कुछ नॉइज भी आ रही है। पीछे आपको जो वो पहाड़ी दिख रही है, एक्चुअली हमें उसी पहाड़ी पे जाना है, और लोग इस रास्ते से आ रहे हैं जो पीछे आप रास्ते देख रहे हो। और ये रास्ता दोस्तों देख सकते हो कुछ इस तरह से, पहाड़ में दोस्तों काफ़ी घुमावदार है, मतलब एकदम घुमाव से बनाया गया है, काफ़ी थकान आ जाता है देखा जाए तो।
अभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 150 सीढ़ी के आसपास चढ़े होंगे और सब थक गए हैं। देख सकते हैं अगल बगल का लोकेशन भी आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा और एक अलग प्रकार का आपको नॉइज देखने को मिलेगा, जैसे सुन सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं और मेरी बहन एक्चुअली में दो लोग ऊपर चढ़ चुके हैं, लेकिन अभी दो बहन और मम्मी नीचे ही रह गई है, वो अभी नहीं आ पाई है। काफ़ी थकान लग रहा है उनको, महसूस हो रहा होगा। धीरे धीरे करके हम लोग एडजस्ट करके आ रहे हैं। सो फाइनली फ्रेंड, 4 घंटे लगातार चलने के बाद अब हम पहुंचने ही वाले हैं, या आप बोल सकते हैं हम पहुंच गए। सो फाइनली फ्रेंड, हम अपने लास्ट डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं। पीछे आप देख सकते हैं अम्बे माता का दर्शन है और हमें यहीं तक आना था। टोटल फ्रेंड 4 घंटे लगे हमें सीढ़ी से चढ़ने में। अगर वही आप रोपवे से आते हैं तो मोस्टली दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे, 700 जिसकी प्राइस रहेगी। ये दोस्तों पीछे आप मंदिर देख सकते हैं, अब इसके अंदर ही दर्शन करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम नीचे रिटर्न की तरफ चले जाएंगे। पीछे दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का लोकेशन देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको चारों तरफ दिखा दूं तो देख सकते हैं चारों तरफ का लोकेशन कुछ इस तरह रहेगा। नीचे दोस्तों गिरनार था, जो कि मेन ये गिरनार के नाम से जाना जाता है। तो फिलहाल में फ्रेंड चलो दर्शन कर लेते हैं अम्बे जी का और फिर हम चलते हैं नीचे की तरफ। माँ के और नीचे गिरनार जी के भी, और फ्रेंड देख सकते हैं ये प्रसाद वगैरह। अब दोस्तों ये सीढ़ी देख रहे हैं, बस इस सीढ़ी से दोस्तों हमें नीचे जाना है। आशा करता हूँ चढ़ने में 4 घंटा लगा था, लेकिन उतरने में 2 ही घंटा लग गया, क्योंकि उतरने में दोस्तों मज़ा आता है और ढलान है, ढलान में हम तेज़ी से उतर जाएंगे। तो फ्रेंड नीचे का देख सकते कुछ इस तरह का था, और ये रोपे हुए दोस्तों, रोपे पर पैसेंजर 700 रुपये है। और दोस्तों अगर यहाँ आप आ रहे हैं जूनागढ़, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चढ़ाई आप रात में करें, क्योंकि दोस्तों मैंने दिन में चढ़ाई की 8 बजे से, काफ़ी धूप था, काफ़ी थकान आया। 4 बोतल तो कम से कम मैं पानी पी गया, अगर रियलिटी बता दूँ तो 4 बोतल पानी पी गया मतलब दोस्तों। और दोस्तों अगर मैं रेट की बात करूँ, नीचे जो 20 रुपये वाली बोतल है यहाँ आपको 40 रुपीज़ में मिलेगी, 40 रुपये वाला पेप्सी यहाँ आपको 80 रुपये में मिलेगा, मतलब रेट यहाँ पर डबल हो जाएगा एक हिसाब से अगर मैं आपको बता दूँ तो। लेकिन फ्रेंड फिर भी अगर माता जी के दरबार में आप आते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप फिट हो हेल्थ से तो आप सीढ़ी का यूज कीजिए, स्टेयर का यूज कीजिए, मज़ा आता है दोस्तों। थोड़ा थकान महसूस होता है, लेकिन अगर आप ग्रुप में आओगे तो आपको और अच्छा लगेगा। फाइनली दोस्तों मैं भी ग्रुप में था, मेरे साथ फैमिली थी, मम्मी थी, बहन थे, लेकिन उन लोग प्रोक्स 1000 सीढ़ी चढ़े तो उन लोग को थकान जैसा महसूस होने लगा, इसकी वजह से वो नीचे चले गए और फिलहाल में मैं फाइनली ऊपर पहुँच गया। दर्शन हमने कर लिया, प्रसाद भी हमने ले लिया, अब इसमें दोस्तों सब लोग का हो जाएगा। तो चलो फ्रेंड अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, एक बार आपको नीचे का व्यूज दिखा देता हूँ।